नमस्कार, आप सभी का वीडी टीवी उत्तर प्रदेश में स्वागत है। मथुरा जिले में यमुना एक्सप्रेस वे के किनारे लाल रंग के ट्रॉली बैग में मिला शव दिल्ली की आयुषी यादव का निकला। रविवार को मृतका की मां और भाई ने शव की शिनाख्त की। पुलिस के मुताबिक आयुषी का मर्डर ऑनर किलिंग का मामला है। पिता ने ही बेटी को गोली मारी थी और फिर शव को सूटकेस में रखकर मथुरा के राया इलाके में फेंकाया था। पुलिस ने आरोपी पिता को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ शुरू कर दी है। एसपी सिटी एमपी सिंह का कहना है कि युवती 17 नवंबर को सुबह घर से निकली थी। दूसरे दिन यानी 18 नवंबर को यमुना एक्सप्रेस वे की सर्विस रोड पर एक ट्रॉली बैग में उसका खून से लथपथ शव मिला था। युवती के सिर, हाथ और पैरों में चोट के निशान थे और छाती में गोली मारी गई थी। मथुरा पुलिस ने मृतका का शिनाख्त कराई गई। इसके लिए 8 टीमें बनाई। पुलिस की टीमें युवती की पहचान के लिए गुरुग्राम, आगरा, अलीगढ़, हाथरस, नोएडा और दिल्ली तक पहुंची। युवती की शिनाख्त के लिए सर्विलांस की टीम ने करीब 20,000 मोबाइल फोन ट्रेस किए। इन मोबाइलों की लोकेशन भी सर्विलांस की टीम ने खंगाली। जेवर, जावरा रोड, खंदौली टोल के अलावा हाथरस, अलीगढ़ और मथुरा आने जाने वाले मार्गों पर लगे 210 सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए, जिसके बाद पुलिस को मृतका की शिनाख्त कराने में सफलता मिल सकी। कार्यवाहक एसएसपी एमपी सिंह ने बताया कि मां और भाई ने पोस्टमार्टम गृह पर पहुंचकर आयुषी के शव की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि ये परिवार मूल रूप से गोरखपुर जिले का रहने वाला है। फिलहाल आयुषी का परिवार दिल्ली के थाना बदरपुर क्षेत्र में रहता है। पिता नितेश यादव की इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है। आपको बता दें कि 18 नवंबर की सुबह 11 बजे यमुना एक्सप्रेस वे की सर्विस रोड पर कृषि अनुसंधान केंद्र के पास झाड़ियों में लाल रंग के ट्रॉली बैग में खून से लथपथ युवती का शव मिला था। उसकी गोली मारकर हत्या करने के बाद ट्रॉली बैग में पैक करके शव को फेंका गया था। इस खबर से जुड़े अपडेट के लिए वीडी टीवी उत्तर प्रदेश से जुड़े रहें। नमस्कार।